अप एंड डाउन किया जाएगा। और अब यहां पर जो सबसे ऊपर दो टीम है उनके बीच में भिड़ंत हमें देखने को मिलती हुई टैक्टिकल बाहर, टीम एक्सो वर्सेस टीएसएम, इट्स अ 4v3। मैं पंक की तारीफ करना चाहूंगा, एक स्मोक लेफ्ट साइड पर किया, एक स्मोक राइट साइड पर किया, अपने और फियर्स के लिए उन्होंने एक स्पेस बनाई, इनफैक्ट सेंस से भी आगे आ चुके हैं, बट ये ग्रेनेड्स, ये स्मोक्स जो किए जा रहे हैं दोनों साइड से जरूर काम में आ सकते हैं। पंक को देखना पड़ेगा क्योंकि उनके ऊपर एक ग्रेनेड आता, डैमेज उनको पड़ा जरूर है। ये फाइट पहले और दूसरे पायदान की टीमों के बीच में चल रही है, जो भी यहां से ये फाइट जीतेगा उसको 3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा तो मिलेंगे ही मिलेंगे प्लेसमेंट के, बाकी जो फिनिशेस बटोरेंगे वो उनके अपने। नेड्स और स्मोक्स अभी भी किए जा रहे हैं ब्लेस के ऊपर, आप देखिए स्मोक किया गया ताकि उनके टीममेट उनको कवर दिलवा सके, बट एक्सो वो आगे मूव करे तो मूव कैसे करे क्योंकि जो जोन है वो आ रहा है, बट फियर्स की लोकेशन, फियर्स एक ऐसे एंगल से मूव आउट कर रहे जहां से वो प्लेस को स्पॉट कर सकते हैं। थोड़े बहुत शॉट्स यहां पर दिए थे ब्लेज ने, अपने वेपन को रीलोड करेंगे। एक्विनॉक्स थोड़ा ऊपर की तरफ को देख रहे हैं, सेंसेस शायद उन्होंने स्पॉट किए हैं, अभी के लिए तो बिल्कुल नहीं, सेंसेस अभी वहीं पर बैठे हुए नजर उनके काफी करीब। एक्विनॉक्स के पीछे, एक्विनॉक्स के पीछे फियर्स यहां पर मौजूद रहेंगे, एक फिर को पिक किया जाएगा, इनफैक्ट यहां पर फिनिश निकालने की कोशिश, दावा बोल दिया है एक्सो ने, और एक्सो ये गेम अपना बना करके दम लेना चाहती है, इवनिंग आउट द नंबर्स। इनफैक्ट सेंस से भी पहुंच चुके हैं और उनके टीम के ऊपर यहां पर निंजा को भी पिक किया जाएगा, गाड़ी से ही यहां पर फिनिशेस निकाले जा रहे हैं। वेपन्स किस काम के, आखिरी प्लेयर बचे हुए टीएसएम के कहीं ना कहीं रहेंगे, लेकिन इन सब चीजों के बीच में शैडो, आप देखिए एक नेड उनके ऊपर जा, एक नेड आगे जा सकता है, बट शैडो उनकी लोकेशन रिवील्ड है, पंक को डाउन किया जाएगा, शैडो इज द लास्ट वन मोर डाउन, इट्स अ 1v1। अब तो गाड़ी से उतरना पड़ेगा पंक और दोनों सेंसेगो, अब दोनों असॉल्टर्स को यहां पर देखना पड़ेगा किस तरीके से फाइट करते हैं। शैडो की जो वेस्ट है पूरी डैमेज है, बट उनको सामने उसको एनिक्स का कवर मिलेगा, बट इज दैट इनफ, 40 गोलियां 3 फिनिशेस शैडो के हिस्से में, लेकिन 15 पॉइंट्स अभी भी थोड़ा सा दूर, और सेंसे जस्ट वेटिंग आउट राइट नाउ, 4 फिनिशेस उनके पास, आप दोनों के पर्सपेक्टिव्स देख सकते हैं, दोनों प्लेयर्स पूरे तरीके से तैयार, AKM वर्सेस M4 IGL राइट नाउ, सेंस इज जस्ट रेडी फॉर इट, पर क्या वो रिवाइवल देना चाहेंगे यहां पर, अगर रिवाइव के लिए उठे तो उनकी बॉडी यहां पर देख सकते हैं, उनको देखा जा चुका है, शैडो हैज सीन हिम, शैडो हैज एक्चुअली सीन हिम, बट विल ही गो फॉर द फाइट, दैट्स द क्वेश्चन, विल ही गो फॉर द फाइट, दैट्स द क्वेश्चन। शैडो इज वेटिंग, बट व्हाट इज ही वेटिंग अप फॉर, क्योंकि दो प्लेयर्स एक्सो के यहां पर उठ चुके हैं, व्हाट इज ही वेटिंग आउट फॉर। एंड अब यहाँ पर ग्रेनेड जो उसका भी इस्तेमाल हमें देखने को मिल रहा है, अगर यहाँ पर शैडो ये पूरा जो क्लच है वो करते तो एक तरीके से 1v4 हम उसको बोलेंगे, कि अब एक खिलाड़ी जो वहां पर रिवाइव भी हो चुका है, शैडो शायद उन्होंने स्पॉट किया नहीं था, और आप देखिए एक्सो को कोई आइडिया नहीं कि एग्जैक्ट लोकेशन शैडो की क्या रहने वाली है, बट बूस्टर जो शैडो के पास मौजूद है वो भी उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये जो स्प्रे था ये पूरी तरीके से सिचुएशन को बदल देगा, क्योंकि अब इट्स अ 1v2, दो साइड से वहां पर जो स्प्रे है वो हमें आते नजर आएंगे, सेंसेबल उनको जाना पड़ेगा की तरफ, जोन के अंदर ऑलरेडी हमें शैडो देखने को मिल रहा है, क्या वो यहाँ पर एक क्लच कर पाएंगे वो देखने वाली बात, सेंस को पॉट के आ गया, नाउ इट्स अ 1v1, इट्स फियर्स वर्सेस शैडो, एंड फियर जो है वो एक बार फिर से सारा दामोदर जो है वो उनके ऊपर हमें आता हुआ नजर आ रहा है, एंड शैडो ओजी अपने आप को हील करेंगे, फियर्स उनको आना पड़ेगा आगे की तरफ, जो जोन है वो अब यहां पर डेथ जोन बनता हुआ नजर आएगा, एंड एक खिलाड़ी अभी के लिए पूरे टीम एक्सो की जो मुश्किलें वो बढ़ाएगा वहां पर, जोन जो उसका प्रेशर आ रहा है, शैडो को आगे जाना पड़ेगा, फियर्स को वो देखेंगे, फियर्स को स्पॉट करेंगे, स्प्रे जाता हुआ, फियर्स इज प्रोन डाउन, शैडो कैन ही डू दैट, एंड मेरे ख्याल से शैडो कर भी सकते, स्पॉट वेल शैडो 1v4, 1v3 will be taking that winner, chicken dinner, एक खिलाड़ी पूरी स्क्वाड को यहां पर लेकर के जाएगा, जोन उनके पास नहीं था, oh my god, TSM Shadow hats off, bow down, what a game!